है कि लगातार बिहार को टारगेट किया जा रहा है। पहले बिहार को चेन्नई मतलब तमिलनाडु के लोगों से लड़ाने का प्रयास किया गया, जब उसमें असफलता ये लोग पाए तो यहाँ दंगा फसाद जो है वो कराने का प्रयास किया गया। इसको लेकर के पूरी तरीके से सरकार जो है गंभीर है और जो लोग भी इसमें पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं। इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ रंजन सिंह। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। बिहार शरीफ और सासाराम की हुई घटना को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये सोची समझी साजिश है और जिस तरीके से बिहार में दंगा हुआ है, दो दंगा फैलाने का काम किए हैं, जिस प्रकार से हिंसा हुई है, जो इसमें शामिल हैं उन सभी को बख्शा नहीं जाएगा, सभी को जो है एक एक व्यक्ति को जो है जो शामिल हैं इसमें उनको ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सत्ता रहे या ना रहे लेकिन देश में अमन चैन रहना बेहद ज़रूरी है और देश के गृह मंत्री आते हैं और ये कहते हैं कि उल्टा टांग देंगे, उल्टा लटका देंगे। जरा सुनिए तेजस्वी यादव ने किस तरीके से सासाराम और बिहार शरीफ में हुई घटना को लेकर क्या कुछ कहा है। बिहार शरीफ और सासाराम में जिस तरीके से तनाव बढ़ गया था, जिस तरीके से तनाव बढ़ा हुआ है, लगातार आरोप प्रत्यारोप हो रही है, क्या कहना है सर? देखिए रामनवमी के दिन लगभग 118 जगह जो शोभा यात्रा और जुलूस जो है निकाली गई, हर जगह शांतिपूर्ण ढंग से शोभा यात्रा जो है निकाली गई। दो जगह खासतौर पे सासाराम और बिहार शरीफ, वहाँ दंगा भड़काने का प्रयास किया गया, उसको देखते हुए प्रशासन जो है कार्रवाई कर रही है और लोगों को चिन्हित करके उसी हिसाब से कठोर कार्रवाई की जा रही है। सैकड़ों लोगों को धर पकड़ा भी गया है जो लोग इस दंगा में जो लोग शामिल थे, और आप लोग समझ सकते हैं कि लगातार बिहार को टारगेट किया जा रहा है। पहले बिहार को चेन्नई मतलब तमिलनाडु के लोगों से लड़ाने का प्रयास किया गया, जब उसमें असफलता ये लोग पाए तो यहाँ दंगा फसाद जो है वो कराने का प्रयास किया गया। इसको लेकर के पूरी तरीके से सरकार जो है गंभीर है और जो लोग भी इसमें पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। सत्ता रहे या ना रहे लेकिन अमन चैन सद्भाव जो है वो कायम रहेगा, चाहे जो कुछ करना पड़े हम लोग सब लोग करेंगे। और आप लोग जान ही रहे जहाँ जहाँ लोगों का प्रयास रहा है, पूर्णिया के रैली के बाद लोगों जो है बौखलाए, अब इस तरह का दंगा को लेकर के कौन कौन आकर के क्या क्या बोला वो पूरी तरीके से क्या राजनीति है बिहार के लोग सब लोग समझदार हैं और समझ रहे हैं कि कौन कौन लोग जो है इस तरह का काम जो है लोग करवाते हैं, तो इसमें किसी को बख्शने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और उल्टा टांग देना, सीधा कर देना, ये बिहार है। हम तो कहना चाहते हैं कि ये बिहार है और बिहारी जो है उल्टा जो करेगा उसको सीधा कर देगा। जो लोग भी बिहार के ऊपर बुरा नज़र डालेंगे बिहारी उनको उल्टा से सीधा कर देंगे। भाई बिहार है, गुजरात के लोग भूल जाते हैं